मसूरी के प्रसिद्ध माल रोड का निर्माण मसूरी वालों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मुख्य सचेतक ने यहाँ के हालात का जायजा लिया, उसके बाद भी काम में गति नहीं आ पाई है। अब निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में इस काम को निपटा दिया जाए। पर्यटन सीजन के आ जाने से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। माल रोड का नवनिर्माण तय समय में पूरा नहीं हुआ तो मुख्य सचिव SS संधु भी मसूरी पहुंचे और यहाँ के हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को माल रोड का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। इस मौके पर जिला अधिकारी सोनिका सिंह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने लाइब्रेरी से पिक्चर परी चौक तक माल रोड का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने कहा कि माल रोड के कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अधिकारियों को अब तय समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो दिन रात काम करके इसका पूरा काम करें ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि यहाँ से वो डक्ट वगैरह पड़ी हैं और कॉबल स्टोन का काम हो रहा है और सीवर वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि कार्य में विलंब हुआ है और बरसात के आने से कार्य में बाधा पहुंची, लेकिन 15 दिन के भीतर माल रोड का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आज CSR भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो अब हमारे एक्सचेंज यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इससे ज़्यादा एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ। इस अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि माल रोड के सुधार कार्य को लेकर लोक निर्माण विभाग को धनराशि आवंटित कर दी गई है ताकि तत्काल निर्माण कार्य पूरा होए। के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है PWD को कि माल रोड का हम लोग अच्छे से वेरिफिकेशन कर सके और निश्चित रूप से काम थोड़ा स्लो था, इसलिए मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं देखा है, उन्होंने उसको काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि जो माल रोड है उसके साथ साथ पूरी मसूरी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरा एक प्लान बना रहे हैं फसाद इम्प्रूवमेंट का, वो शीघ्र ही प्रसिद्ध उनको दिखाएंगे मुख्य सचिव महोदय के, उसके बाद हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।